दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो अभी हमारे पास एक्टिवा 5G ग्रे कलर जो बता सकते हैं, ये गाड़ी हमारे पास आई है पेंटिंग के लिए। पूरा गाड़ी का रिस्टोरेशन नहीं है, बस कहीं कहीं पे इसका पेंट होगा। तो ये मडगार्ड देख लिए, मडगार्ड से मैं शुरू करता हूँ आप लोगों को दिखाना। तो ये मडगार्ड हो गया, पता नहीं इसका हैंडल में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, बार बार इधर मुड़ जा रहा है। तो ये मडगार्ड हो गया, कस्टमर ने पहले ही डेंट करवा लिया था, ये डेंट करवा के लाए हैं। ये सर देख ली, ये लोअर हो गया और ये बॉडी पैनल, बस इतना ही काम करना है इसमें, बाकी सब ठीक है, क्योंकि इधर से गाड़ी गिरा था। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये जो वीडियो में बैकग्राउंड नॉइस आता है वो रोड के कारण आता है, क्योंकि वैसा मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं है जहाँ पे मैं शांति से इसको शूट कर सकूँ गाड़ी को, क्योंकि अगर जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे शूट करूँगा तो वहाँ अंधेरा बहुत है, जिसके कारण गाड़ी प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाएगा। इसीलिए मैं बाहर निकल के इसको शूट करता हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर व्यू मैं दिखा सकूँ कि क्या क्या इसमें काम होना है। तो चलिए इसको पहले इसमें पेपर वगैरह मार के गाड़ी डिसमेंटल नहीं करेंगे कुछ, वैसे ही सब कुछ लगा हुए में काम करेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो पुट्टी लगाने के बाद हम लोगों ने इसे धूप में खड़ा कर दिया था लगभग 1 से 2 घंटा, तो पूरा तरह ये सूख गया है। अब इसमें पेपर से कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद बेस कोट अप्लाई करेंगे, बेस कोट अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट पेंट चढ़ा देंगे।
तो पेंट करके यहाँ पे गाड़ी पूरी कंप्लीट हो चुकी है और हम लोगों ने इसे धूप में खड़ा कर दिया है थोड़ा सा हीट देने के लिए, ताकि ये पूरा तरह से ड्राई हो जाए पेंट। और एक बार बॉडी पैनल देख लो, यहाँ पे स्क्रैच जो था वो पूरी तरह से हट गया है, और ये फ्रंट पैनल मडगार्ड वगैरह भी इसमें हट गया है। और एक चीज़ और, इसमें साइलेंसर भी पेंट हुआ है, जबकि कस्टमर बोले नहीं थे पेंट करने के लिए, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा था तो हम लोगों ने साइलेंसर भी उसको पेंट कर दिया है। तो वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और किसी भी तरह का आप लोगों को डाउट हो या फिर गाड़ी के काम से रिलेटिव, कॉन्टैक्ट नंबर इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो। थैंक यू सो मच।